अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। मैं व्लॉग शुरू कर रही हूँ और इसमें आज मैं आपको बता रही हूँ एक साग बनाने का तरीका। साग कढ़ी वाला है, ये आपके लिए थोड़ा मुख्तलिफ होगा लेकिन आप इसको एंजॉय करेंगे, ज़रा डिफरेंट आइडिया इसका। साग मैंने धो ली था, ये एक पहाड़ी इलाकों में एक साग होता है कचनार के नाम से, ये वो साग है। इसको मैंने अच्छे से तीन पानियों से एक बारीक काट के वॉश कर लिया। अब इसको मैं जो है ना वो निचोड़ के इसको, और ये साफ़ सुथरा पानी इसके अंदर डाल दिया मैंने। तीन पानियों से कोशिश करें इसको आप निकालें ताकि कोई भी मिट्टी वगैरह ना हो। रियल ऑर्गेनिक है क्योंकि ये हमारे गांव से आया है, तो इसका तरीका मैं आपको बताऊंगी, आप लोगों को मुख्तलिफ लगेगा। जो लोग माउंटेनियस रीजन से ताल्लुक़ रखते हैं उनके लिए तो ये नया नहीं है और बाकी लोगों के लिए बहुत मुख्तलिफ होगा। अच्छा, मैंने साग चूल्हे पर चढ़ा दिया है और ये है टिम्बर। टिम्बर जो है वो पहाड़ी इलाकों में होता है, चटनियों में डलता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है। टिम्बर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ तकरीबन 2 पिंचेस के हिसाब से, और ये मैंने ताज़ा पानी निकाला था कुएं से। हमारे कुएं का पानी बड़ा ही प्यारा सा है, तो साफ़ सुथरा। आप इसके अंदर वो पानी डाल दें और ये बस टिम्बर डाल के इसको आपने बॉयल होने के लिए, 3 ग्लास पानी मैंने डाला ताकि जो है ना साग पहले से अच्छे से बॉयल हो जाए। ये कहाँ इसका ढक्कन, बर्तन का ढक्कन भी आपको ये रखा मैंने, और अब ये जो है ना बस पकने के लिए छोड़ दिया इसको। अब दूसरी तरफ मैंने 1 किलो दही ले लिया और ये मेरा बेसन, सब चीज़ें ऊपर पड़ी हैं साथ साथ कैमरा में ऊपर आपको अपने कबर से। बेसन मैंने इसके अंदर डाला हुआ है, सावन में बरसात के मौसम में हर चीज़ जो है ना वो अजीब सी हो जाती है, तो फिर मैंने इस शॉपर के अंदर ही डाल के बॉक्स में डाला है। बेसन इसके अंदर आप डाल दें 2 चम्मच, कढ़ी हमारी फैमिली में बहुत शौक से खाई जाती है। वैसे तो घर में गोश्त बना हुआ था और बिरयानी भी बनी हुई थी, मगर कढ़ी का दिल कर रहा था मेरी सास का, वो मुझे कहती हैं कि आप कढ़ी बनाएं आज, तो ये 2 चम्मच मैंने इसके अंदर जो है ये उसको कहते हैं अलन। अलन वो होते हैं जो छड़ियों के दाने होते हैं ना, भुट्टे के दाने खुश करके उनको कूट के, बारीक सूखे हुए भुट्टे के दानों को कूट के बारीक रख लें, वो दही के अंदर डालें। वो मकई जैसे, जिसे मकई कहते हैं, कूटी हुई मकई, बारीक पिसी हुई नहीं कूटी हुई, ये वो मकई है। इसको मैंने इसके अंदर दही में डाल के खूब फेंट के इसमें लस्सी बनाऊंगी। फेंटना इसको खूब है, खूब मिक्स करना है, तकरीबन 15 मिनट्स आप इसको फेंटें और इसकी लस्सी बनाएं। ये दूसरी तरफ जो है वो मेरा साग बॉयल हो गया, पानी इसका कम हो गया बिल्कुल, 1 कप के हिसाब से रह गया। और अब मैं इसके अंदर डालूँगी नमक, ये लाल मिर्च, और ये इसके अंदर सूखा धनिया, ये तीनों चीज़ें इसके अंदर जाएंगी। ये देखिए जो लस्सी मैंने बनाई थी ना वो मैंने इसके अंदर डाल दी है, और अब ये लस्सी जो है वो हिलाते रहेंगे हम इसको। पहले भी मैंने आपको बताया था पिछली रेसिपी में, जब लस्सी आप डालें चूल्हे के ऊपर तो उसको खूब घुमाना है, घुमाते जाएं, उसमें जब उबाल आए तो उसको छोड़ दें। ये जो साग के अंदर ही मैंने लस्सी डाली है, लस्सी तकरीबन 1 किलो दही की थी। आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है, आज बहुत ही हैक्टिक डे था, हमारे काम करने वाली मासी भी नहीं आई थी, तो बस मशीन भी लगाई, कपड़े धो तो आपको पता बंदा किस कदर थक जाता है। मैंने वॉशिंग मशीन भी लगाई है, वो सुबह सुबह लगाई थी इसलिए सारे कपड़े धो लिए। मैंने कहा ज़रा कपड़ों को हल्का हल्का करके खोल दूँ। मुझे इस वेदर में ना, आप भी मुझे बताएंगे कि वेदर में सावन में आप बेशक कपड़े आप स्पिन भी कर लेना, उनमें नमी रह जाती है। अभी मेरे सोफ़ों के कवर्स हैं, मैंने कहा सोफ़ों के कवर्स तो उतार के ले आऊँ, उनको फैला दूँगी, वो थोड़े ड्राई हैं। बाकी कपड़े सुबह के धुले हैं लेकिन अभी भी नहीं खुश्क हुए, और इनको जो है ना मैं ड्राई स्पिनर भी लगाया लेकिन पता नहीं क्या बात है, 2 दिन पड़े रहते हैं, नमी उसी तरह उसके अंदर रहती है। और अगर नमी रह जाए ना कपड़ों में तो उसके बाद अगर आप उनको रख दें इसी तरह तो उसमें से बू आ जाती है, वो बड़ा गंदा लगता है। मोटे कपड़े तो खास कर,
ये देखिए आज बहुत कपड़े धुले हुए सब जगह। मैट्रेस भी सुखाने के लिए रखा हुआ इस पर भी, सुबह मेरे हाल में शायद पानी गिर गया था किसी से तो वो फिर सुखाने के लिए रखा। कपड़ों को खुला खुला करके तार पे फैला रही हूँ। मेरे पास इतनी जगह तो नहीं है कपड़े डालने के लिए, लेकिन जो जगह है बस उसी हिसाब से ना मैं फैला के डाल रही हूँ। लेके जाऊँ अब अपने सोफों के कवर्स जाके लगाऊँ, कमरे को थोड़ी हुलिया बिगड़ा हुआ इसको दुरुस्त करूँ। आंडी तो बन गई है मेरी, चलते हैं। ये देखे ना सोफों पे बच्चे अभी कवर उतरा हुआ है तो उछल रहे हैं, जंपिंग कर रहे हैं। ये वाले मेरे सोफे हैं ना, मुझे इनको मैं बिल्कुल कवर के बगैर नहीं छोड़ती। ये देखें जी मैंने कवर भी लगा लिया, अब इनकी लुक देखें। और ये जो मेरा कवर है ना, ये तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं इसको, और इसका कपड़ा इतना नफीस है आज तक ये कपड़ा ख़राब नहीं हुआ। जितनी धुलाई करो हमेशा बिल्कुल न्यू लगता है, मुझे इसलिए ये बहुत पसंद है कवर। इसके समर्स में मैं लगाती हूँ, विंटर्स में तो मैं और लगाती होती हूँ डार्क कलर में, समर्स में मुझे वाइट कलर अच्छा लगता है इसलिए मैंने वाइट कलर के कवर्स लगाए। ये मेरी फेवरेट प्लेस है, मैं बैठ के आप लोगों के लिए से गपशप करती हूँ, वीडियो बनाती हूँ। पूरा कमरा ही उथल पुथल हुआ हुआ है क्योंकि आजकल मुहर्रम की छुट्टियाँ चल रही हैं, सब घर पर ही हैं। मेरे मियाँ साहब भी घर पर होते हैं, बच्चे तो ऑब्वियसली अभी स्कूल गोइंग है नहीं, सब मिलकर फिर खूब गंद मचाते हैं। बाहर भी कोई आया हुआ था, पता नहीं शायद कोई गेस्ट वगैरह आए हुए, देखूंगी अभी जाकर, इसलिए कमरे को भी थोड़ा समेटूंगी। बिस्तर वगैरह वाइट बिस्तर मैंने आज लगा तो दिया, अल्लाह खैर करे कायम रहें सही रहें। मुझे याद आ गया ये दुपट्टा मैंने जो है ना वो वॉश ही नहीं किया, ये बच्चों ने कहीं सोफों के पीछे फेंक दिया ब्लैक दुपट्टा, ये मुझे चाहिए होगा दोबारा। इसको मैं ना सर्फ डाल के पानी में भिगोना पड़ेगा, तो बस इसके बाद इसको हाथों से ही धोऊंगी 15-20 मिनट। मुझे तो हाथों से कपड़े धोने में बड़ी कोफ्त है, मशीन में मैं जितने भी कपड़े हों प्रॉब्लम नहीं लगती, हाथों से बस कपड़े धुलते हैं ना। लेकिन ये कि जिसको फ़ोन जॉर्जेट जो बताए ना इसको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। ये इसे मेरे बच्चे ने भी छोड़ डाला है, उनको कह रही वॉइस ओवर कर रही हूँ, लेकिन आपको पता है मेरे बच्चे शोर शराबा करते रहते हैं साथ साथ। वॉइस ओवर भी इसीलिए करनी पड़ती है क्योंकि पता है आपको वीडियो बनाते हुए आवाज़ में इतनी इंटरप्शन होती है, इतना शोर होता है, इतनी डिस्टॉर्शन होती है, वीडियो भी नहीं बनाने देते ना वीडियो ना वॉइस ओवर। ये ज़रा को मैं अच्छे से मार लूँ। गर्म पानी भी आप डाल सकते हैं, गर्म पानी से जो है उसको 15-20 मिनट भिगो देना तो भी कपड़ा जो है वो बड़े अच्छे से साफ होता है। अच्छा अब चूँकि मैंने खाना वाना भी बनाना है तो आज का मेरा व्लॉग यहीं तक है। देखते रहिए व्लॉग को, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट्स भी कीजिएगा, और कल का व्लॉग ज़रूर देखिएगा। कल एक ज़बरदस्त किस्म का आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी होगा व्लॉग के अंदर, वो मैं आपको कल ही बताऊंगी कि क्या सरप्राइज़ है। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।